लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, खासकर गरीब लोगों से, क्या इन 2.5 वर्षों में केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, क्या इन 2.5 वर्षों में आपके जिले में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। अब लोग अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अब जो आम जनता है भारतीय जनता पार्टी को, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगी है।